ज्यादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। उनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। कंगना रनौत दमदार अदाकारा हैं, उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में आज अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन जब कभी उनके करियर पर नजर डालते हैं तो हर दौर में कुछ विवाद उनका पीछा करते रहते हैं। ऐसा ही एक विवाद कंगना को ब्रेक देने को लेकर ट्विटर पर छिड़ा था। इसमें खुद बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और आलिया भट्ट भिड़ गए थे। बाद में इसमें कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने भी आलिया और उनके परिवार को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। तब रंगोली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान को टैग करते हुए महेश भट्ट से जुड़े कई बयान जारी किए थे। रंगोली ने ट्वीट के जरिए खुलासा किया कि महेश भट्ट ने कंगना को एक बार चप्पल फेंक कर मारी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के बाद कंगना की क्या हालत हुई थी। रंगोली ने इस बात का खुलासा काफी समय पहले एक ट्वीट के जरिए किया था कि किस तरह से 19 साल की उम्र में कंगना के साथ महेश भट्ट ने इतनी गंदी और बुरी हरकत की थी। रंगोली ने एक ट्वीट में ये कहा कि कंगना रनौत जब वो लम्हे का प्रीव्यू देखने के लिए थिएटर पहुंची तो उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी और कंगना को उन्होंने उसकी ही फिल्म को देखने से मना कर दिया था। और जब कंगना घर वापस आई तो काफी ज्यादा डरी हुई थी। एक्ट्रेस पूरी रात रोती रही। उस दौरान उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल ही थी। इस बात का खुलासा रंगोली ने उस दौरान किया था जब कंगना ने आलिया पर कई तरह के तंज कसे थे, जिसके बाद आलिया ने भी कंगना को करारा जवाब दे दिया था। वहीं आलिया की मां सोनी राजदान ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि कंगना को बॉलीवुड में महेश भट्ट ने ब्रेक दिया था। बाद में रंगोली ने आलिया की मां सोनी राजदान को टैग करते हुए लिखा कि सोनी राजदान जी, महेश भट्ट ने कंगना को कोई ब्रेक नहीं दिया, अनुराग बसु ने उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था। इस ट्वीट के बाद से सोनी राजदान और आलिया भट्ट ने मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचा, लेकिन इस बात को लेकर आज भी इंडस्ट्री में खूब बहस होती है कि कंगना को ब्रेक आखिर दिया किसने, अनुराग बसु ने या फिर महेश भट्ट ने। बता दें कि दोनों ही परिवार अलग अलग तरह के दावे करते हैं। वेल, आपको बता दें कि कंगना रनौत और रंगोली चंदेल कभी भी चुप नहीं बैठती हैं। दोनों अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनी ही रहती हैं। हाल ही में रंगोली चंदेल ने टीवी एक्टर करण पटेल को भी उनकी बहन के खिलाफ बोलने पर काफी खरी खोटी सुनाई है। यहां तक कि रंगोली चंदेल ने करण पटेल को धरती पर बोझ तक बता डाला है। बता दें कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट जब से सस्पेंड हुआ है तब से ही एक्ट्रेस आए दिन कहीं ना कहीं किसी और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने मुद्दे उठाती रहती हैं और अपनी बातें भी बेबाकी से रखती हैं। वेल, बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस कंगना रनौत के वर्कफ्रेंड की बात की जाए तो एक्ट्रेस जल्दी ही अपनी फिल्म थलाइवी में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा इमली और अपराजित योद्धा जैसे फिल्मों में भी एक्ट्रेस दमदार अभिनय करते हुए दिखाई देंगी। बता दें कि फिल्म थलाइवी और वहां की अम्मा यानी कि जयललिता पर बेस्ड फिल्म में काम करते हुए नजर आने वाली हैं। उनकी बायोग्राफी को एक्ट्रेस ने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा है। वेल दोस्तों, आपको कंगना रनौत का कौन सी फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है और एक्ट्रेस के इस बेबाक अंदाज को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।